नमस्कार दोस्तों, अक्सर खराब दिनचर्या और प्रॉपर वर्कआउट ना होने की वजह से बेली फैट बढ़ जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या हो जाती है बेली फैट को कम करना। बेली फैट घटाना हर किसी के लिए टेढ़ी खीर होता है। अक्सर रेगुलर एक्सरसाइज के बाद भी कई लोगों को मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ऐसे में बेली फैट को घटाने के लिए अपने डाइट पर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे फूड्स को आप अपने डाइट चार्ट में शामिल करें जो बेली फैट को घटाने में आपकी मदद कर सकते हैं। इन फूड्स की लिस्ट में एवोकाडो, सेब, खीरा, पालक और अंडा शामिल हैं। इन फूड्स में कई ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो बेली फैट को कम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। सेब से भी घटेगा बेली फैट। सेब के अंदर मौजूद फाइबर, फ्लेवोनाइड्स, बी कैरोटीन जैसे पोषक तत्व आपको ज़्यादा मात्रा में खाने से रोकते हैं। इसके भीतर मौजूद पेक्टिन भी आपके वज़न को कम करने में आपकी मदद करता है। सेब का रोज़ाना सेवन करेंगे तो आप जल्द से जल्द बेली फैट को कम कर पाएंगे। खीरे से भी होगा फैट कम। वर्कआउट करते वक्त हमारी कोशिश रहती है कि हमने दिन भर में जितनी भी कैलोरी ऊर्जा ली हो उसे बर्न किया जाए। ऐसे में वज़न घटाने वालों को सलाह दी जाती है कि वो लो कैलोरी वाले फूड का इस्तेमाल करें। खीरे में लो कैलोरी होती है, वहीं इसमें मौजूद फाइबर और विटामिन शरीर से दूषित पदार्थों को बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। दरअसल दूषित पदार्थों की वजह से ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं रहता। ये तत्व ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर बेली फैट को कम करने में मदद करते हैं। पालक से भी मिलेगी मदद। पालक एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। फाइबर आसानी से पच जाता है, वहीं इसकी वजह से आपकी बार बार भूख लगने की परेशानी भी दूर होती है। अंडे से पोषण ही नहीं फैट भी होगा कम। अंडे में प्रोटीन की अधिकता होने की वजह से ये कैलोरी बर्न करने में शरीर की मदद करता है। इसके साथ ही शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखने में भी अंडा बेहद कारगर साबित होता है। एवोकाडो का करें इस्तेमाल। एवोकाडो एक ऐसा फल है जो बेहद लाभकारी होता है। जहाँ एक ओर एवोकाडो शरीर में शुगर को कंट्रोल करके इंसुलिन लेवल को संतुलित रखता है, वहीं दूसरी ओर बेली फैट को घटाने में भी ये कारगर होता है। इसके अंदर मौजूद लेसिथिन अमीनो एसिड बेली फैट को संतुलित करके रखता है। इसमें फाइबर भी होता है जिसकी वजह से जल्दी भूख नहीं लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर आए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करें। धन्यवाद।